नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, पैट के कोर्स को हम कवर कर रहे हैं और पैट में हमने अभी तक जो कोर्स कराया है वो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा और ब्रिटिश राज का अभ्युदय और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये करा दिए हैं हमने सारी क्लासें। आज जो हमारी क्लास है वह स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष है। यानी क्या है हमारी क्लास है? स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। और इसमें हमारी टोटल जो है 10 से 11 या 12 क्लास हमारी होने वाली हैं और यह भी पूरा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हम जो शुरू करने वाले हैं वो करेंगे ज्योग्राफी। तो हमारी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पहली क्लास जो है वो क्या है? स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में है और हमारा टॉपिक क्या है? स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। तो सबसे पहली बात यह है कि आंदोलन है यानी कि विद्रोह है। और कैसा है? स्वाधीनता यानी कि अपने अधीन, अपने आप को अधीन करने के लिए, स्वतः अधीन करने के लिए हमें कितने आंदोलन करने पड़े, कैसे कैसे आंदोलन थे, उनके हमने प्रारंभिक वर्षों की यहाँ बात की है। और इस वर्षों में हमने क्या कहा है आप देखिए समझिए। क्या स्वाधीन हम कब हुए थे? 1947 के पर हम स्वाधीन हुए थे। अंग्रेज़ों से हम स्वाधीन कब हुए थे? जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था जब। परंतु उससे पहले हमने क्या क्या आंदोलन किए अपनी स्वाधीनता के लिए? तो देखिए, सामाजिक आंदोलन हुए, सैन्य आंदोलन हुए और आपके धार्मिक आंदोलन हुए। समय समय पर अलग अलग आंदोलन होते रहे, हम सबकी बात करने वाले हैं। और आज जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? हमारा धार्मिक सुधार आंदोलन। क्या है हमारा टॉपिक? धार्मिक सुधार आंदोलन। और सबसे पहले धार्मिक सुधार आंदोलन में भी हमारा जिक्र जो आता है वो किस पर आता है? ब्रह्म समाज पर आता है। किस पर आता है? ब्रह्म समाज। तो हमने ब्रह्म समाज को यहाँ सजाया है क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी था, बड़ा था टॉपिक था, तो हमने की पॉइंट यहाँ से लिखे हैं। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के बाद पढ़ने वाले हैं आर्य समाज। आर्य समाज के बाद में जो हम पढ़ने वाले हैं रामकृष्ण हंस या प्रार्थना रामकृष्ण हंस या थियोपिकल सोसाइटी। ठीक है, हम ऐसे पढ़ेंगे। तो ये आपका थोड़ा सा टफ है और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इस वजह से हमने इसको आपको डिस्क्राइब किया था। आप बच्चों को जो है ना इसकी थ्योरी पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, इस वजह से हमने सोचा कि हम आपको थ्योरी समझा देंगे परंतु यहाँ से की पॉइंट आराम से निकलवा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर देते हैं कि पहला धार्मिक आंदोलन जो था कौन सा था? यही था ब्रह्म समाज। यानी ये क्या था? पहला धार्मिक आंदोलन था। क्या था? पहला धार्मिक आंदोलन था। और कहने का मतलब ये था कि ये इसका जो मतलब गठन किया गया था, इसका जो गठन किया गया था ब्रह्म समाज के रूप में किया गया था। कब किया गया था? 1828। परंतु उससे पहले पढ़ लेते हैं इसकी स्थापना किसने की थी। तो देखिए, हम आपको बताते हैं राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है यही है राजा राम मोहन राय को पढ़ने का। तो पहला धार्मिक आंदोलन था किसने शुरू किया था? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, अब राजा राम मोहन राय कौन थे इनके बारे में जानकारी हमें ज़रूर रखनी है। यानी कि राजा राम मोहन राय कौन थे इनके बारे में जानकारी हमें ज़रूर रखनी है, बहुत ज़रूर रखनी है। अब देखिए क्या था, राजा राम मोहन राय का जन्म जो हुआ था वो 1772 में कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। ठीक है, और ये भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा गया इनको। क्या कहा गया? भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा गया बेटा। तो इसको भी नोट करते रहेंगे कि राजा राम मोहन राय ने का जन्म जो हुआ था वो क्या हुआ था? 1772 में हुआ था, बंगाल में हुआ था, और भारतीय पुनर्जागरण का इनको जनक कहा गया था। ठीक है, और इन्हें ही आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा गया। क्या कहा गया? आधुनिक भारत का निर्माता भी इन्हीं को कहा गया था। ठीक है, रही बात ये कि क्या करते थे ये, कैसे थे? तो देखिए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या करते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी में 1803 से लेकर 1814 तक कार्य करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी में 1803 से लेकर 1814 तक कार्य करते हैं। अंततः अंदर देश की भावना जागती है, मनोविज्ञान बहुत आगे बढ़ गया था, टैलेंटेड बचपन से ही थे, तो इन सब चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो है इन्होंने क्या करा, इनके मन में जो है स्वाधीनता का चिराग जला और उसके चलते जो है इन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। ठीक है, और इन्होंने नौकरी छोड़ने के बाद में एक संगठन बनाया, एक संगठन बनाया। सबसे पहला संगठन जो बनाया वो कब बनाया? 1814 को। क्या बनाया? आत्मीय सभा नाम से एक पहला संगठन बनाया। कौन था? आत्मीय सभा के नाम से क्या बनाया? पहला संगठन बनाया। और जिसने कार्य जो करना शुरू किया वो कब करा? 1815 से इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है जब आत्मीय सभा शुरू कर दी है तो इनसे प्रभावित एक व्यक्ति थे जिनका नाम है डेविड हेयर। इनसे प्रभावित एक व्यक्ति थे, कौन? डेविड हेयर। और किनसे? राजा राम मोहन राय की सहायता से। किसके? राजा राम मोहन राय की सहायता से, सहयोग से, या ऐसा मान लीजिए कहने पर 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कहा क्या करी? हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कहाँ पर? बंगाल में, कलकत्ता में। किसकी शुरू मतलब स्थापना की? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की बंगाल में। और किसने? डेविड हेयर ने। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम माना चाहिए, सॉरी आपके एग्जाम को देखते ही ये क्वेश्चन जो है याद आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी।
तो आपको पता होना चाहिए कि किसने की थी, डेविड हेयर ने की थी और कब की थी। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सटीक होना चाहिए 1817 में, एक कम कर देना, 1818 में से 1817 में की थी। और उसके बाद में इन्होंने जो था प्रीसेप्स ऑफ जीसस भी किया था, यानी प्रीसेप्स और जीसस, यानी ये क्या था, ये ईसाई, यानी ऐसा मान लीजिए जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे तो ईसाइयों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और इनके जो मित्र थे वो अंग्रेज मित्र ज़्यादा थे, और उन्हीं अंग्रेज मित्रों को इनकी अंग्रेजों की जो बाइबल थी, ठीक है, ईसाइयों की जो बाइबल थी उसी के उच्चारण, उसी के दोष, उसकी ही खूत, मतलब एकदम क्रूतियाँ, उन सब को बताने के लिए इन्होंने क्या काम किया था, प्रेसेस ऑफ जीसस किया था, यानी कि उस पर टीका लिखा था, समान के लिए क्या लिखा था, टीका लिखा था। तो एक बार इनके रिकॉल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहला धार्मिक आंदोलन कौन था, ब्रह्म समाज, परंतु उसके संस्थापक कौन थे, राजा राममोहन राय थे। जन्म हुआ था 1772 में बंगाल में हुआ था। भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है इनको, और भारतीय आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इन्होंने जो पुरानी क्रूतियाँ थी उनको ख़त्म करके आधुनिकीकरण किया था देश का, क्या करा था, देश का आधुनिकीकरण किया था, पुरानी क्रूतियों को समाप्त किया था। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी में जो थे वो 1803 से लेकर 1814 तक कार्य करते थे, ठीक है, और 1814 में इन्होंने आत्मसभा की स्थापना की थी, फिर 1815 में इन्होंने कार्य करना शुरू किया, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी बंगाल में, डेविड हेयर ने इनके सहयोग से, किससे, राजा राममोहन राय के सहयोग से, और 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की स्थापना की। फिर जाकर इन्होंने 1828 की बात याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 1828 में जो थी वो क्या करी इन्होंने, ब्रह्म समाज की स्थापना करी, ठीक है। अब होता है क्या कि जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो थे, यानी कि किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, वह राजा महाराजाओं की पेंशन पर बाउंड कर रहे थे, पेंशन कटौती कर रहे थे, तो उसके मामले में जो था, यानी किसके पेंशन मामले में, जब राजा महाराजा जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे, जितने भी साम्राज्य थे पहले, उनके जो राजा थे वो केवल किले तक ही सिमट कर रह गए थे, और उन सब की पेंशन पर रोक लगा रहे थे, पेंशन में कटौती कर रहे थे। तो इसी चीज़ का जो है हवाला लेकर अकबर द्वितीय ने इन्हें दरबार में बुलाया, और राजा से इन्होंने कहा कि आप जो है पेंशन मामला जो है वो कहाँ लेके जाएं, इंग्लैंड लेके जाएं, और इन्हीं को क्या कहा गया था उस टाइम पर, राजा की उपाधि दी गई थी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और आप क्या करा, राजा की उपाधि दी गई थी, तो ये गए थे उस समय पर। मगर आगे बात करते हैं क्या, 1829 में इन्होंने सतीप्रथा का अंत किया था, ठीक है, किसने किया था, सतीप्रथा का अंत किया था किसने, विलियम बेंटिंक, जिस समय पर सतीप्रथा का अंत हुआ था उस समय पर गवर्नर कौन थे भैया, वो थे विलियम बेंटिंक, ठीक है, और कहाँ पर किया था, सबसे पहले बंगाल में, तो 1829 में कहाँ किया गया था, बंगाल में किया गया था, जबकि 1830 में कहाँ किया गया था, मुंबई में और मद्रास में, ठीक है, तो 1829 में कहाँ किया गया था, बंगाल में, और 1830 में कहाँ गया था, मुंबई में किया गया था। और धर्मसभा 1830 में धर्मसभा की स्थापना की गई थी, 1830 यहीं लिख लो, 1830 में धर्मसभा की स्थापना की थी, किसने, राधाकांत देव ने, इसी समय पर की थी धर्मसभा की स्थापना में 1830 में राधाकांत देव ने, ठीक है, परंतु इंग्लैंड में ये जो गए तो इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी ब्रिस्टल में, कब, 1833 में। तो अब पहले इनका एक बार जो है सामान्य परिचय और इनके किए गए कार्य और इनकी जानकारी जो हम एक बार रिकॉल करते हैं क्या था। देखिए इन्होंने जो शुरुआत की थी वो की थी ब्रह्म समाज की, ठीक है, ब्रह्मा का समाज, ठीक है। अब राजा राममोहन राय, तो इनका वास्तविक नाम था राममोहन राय, इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी, ये भी याद रखना है, ठीक है। ये अकबर द्वितीय वह था जो उत्तर मुगल काल का था, ठीक है, कौन सा था, उत्तर मुगल काल का ये अकबर द्वितीय था, ठीक है, उसने एक उपाधि दी थी, ठीक है। जन्म जो हुआ था 1772 बंगाल में हुआ था। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसने कहा गया था, कि इन्होंने सतीप्रथा जैसी क्रूतियों को ख़त्म किया था, ठीक है, सतीप्रथा जैसी क्रूतियों को ख़त्म किया था, इस वजह से पुनर्जागरण का जनक कहा गया था इनको, आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी में 1803 से लेकर 1814 तक कार्य करते थे। 1814 में इन्होंने आत्मसभा की स्थापना की थी। 1817 में इनके सहयोग से डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की इन्होंने रचना की। और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। पहले ब्रह्म सभा थी, फिर बादल चल के क्या हो गया था, समाज हो गया था, ठीक है। 1829 में सतीप्रथा का अंत किया, किसने, विलियम बेंटिंक ने, इन्हीं के सपोर्ट से, राजा राममोहन राय के बंगाल में, जबकि 1830 में क्या गया, बंबई में किया गया। और धर्मसभा की स्थापना की गई थी यहाँ पर ही राधाकांत देव के सहयोग से, जबकि 1833 में मृत्यु हो गई थी, कहाँ पर, ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में इनकी जो हो गई थी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं राजा राममोहन राय की पुस्तकों की। तो राजा राममोहन राय ने एक पुस्तक लिखी थी, संवाद कौमुदी, क्या थी, संवाद कौमुदी साप्ताहिक थी, प्रत्येक 7 दिन में आती थी, ठीक है, क्या थी, राजा राममोहन राय ने एक पुस्तक लिखी थी जिसे हम कह सकते हैं संवाद कौमुदी, बंगाली भाषा में थी, किस भाषा में थी,
बंगाली भाषा में थी और एक सप्ताह वहाँ थी, साप्ताहिक कह सकते हैं इसको। फिर एक किताब लिखी थी मिरातुल अखबार, यानी कि अखबार कह दो या किताब कह दो, इसको क्या था मिरातुल अखबार लिखा था, ये कौन सी भाषा में था, फारसी भाषा में था। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना ज़्यादा याद रखना, इन्हें इसी कारण जो है पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। इसको यहाँ लिख सकते हो पत्रकारिता, पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है इनको। तो इतनी बात आपको यहाँ से याद रख लेनी है। अब क्या होता है कि 1833 में हो जाती है इनकी मृत्यु, और 1833 में मृत्यु के बाद में क्या कंडीशन होती है, देखिए 1833 से लेकर 1865 तक, 1833 से लेकर 1865 तक देवेंद्रनाथ टैगोर जो है किसके ब्रह्म समाज की बागडोर संभालते हैं। कब तक के 1833 से लेकर 1865 तक कौन निभाते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर इसकी बागडोर संभालते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी। ये कौन थे देवेंद्रनाथ टैगोर, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, ठीक है, ये बागडोर संभालते हैं। और इन्हीं के साथ साथ सदस्य के रूप में, इन्हीं के साथ साथ जो है सदस्य के रूप में कौन कौन शामिल होते हैं, अश्विनी कुमार दत्त, ईश्वर चंद विद्यासागर और केशव चंद सेन, ठीक है, ये होते हैं इसमें शामिल और ये भी इनके साथ करते हैं काम। इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित जो होते हैं वो किससे होते हैं हम, ईश्वर चंद सेन से। क्यों, क्योंकि ईश्वर चंद सेन जो थे ब्रह्म समाज को राष्ट्रीय लेवल से न करकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाना चाह रहे थे। वो सोच रहे थे ब्रह्म समाज की जो ब्रांचें हैं, ब्रह्म समाज को जो फैलाया जाए वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर फैलाया जाए, यानी एक देश से दूसरे देश को इनको फैलाया जाए, ठीक है। अब इस चीज़ से जनता जो हो गई थी इनकी सपोर्ट में आ गई थी केशव चंद सेन से, और जब इनके सपोर्ट में आ गई थी तो देवेंद्रनाथ टैगोर की क्षमता जो थी वो कम होने लगी थी देवेंद्रनाथ टैगोर की। अब दोबारा समझिए, क्या देवेंद्रनाथ टैगोर ने मृत्यु के बाद में कारभार संभाला, यानी कि राजा राममोहन राय की मृत्यु 1833 में हो गई थी इंग्लैंड में, उसके बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी ने ये बागडोर संभाली सारी, और सारी बागडोर संभालने के बावजूद इनके साथ साथ जो सदस्य शामिल हुए वो 65 तक कौन कौन शामिल हुए, अश्विनी कुमार दत्त हुए, ईश्वर चंद विद्यासागर हुए, केशव चंद्र सेन हुए। अब केशव चंद्र सेन का जो था, इन तीनों में से केशव चंद्र सेन का कद जो था ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि केशव चंद्र सेन ने एक बात कही कि हम जो है ब्रह्म समाज को राष्ट्रीय लेवल पर ना होकर जागरूक करके हम इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएंगे, और इससे लोगों को जो है जो हमारे देश के व्यक्ति विदेशों में भी हैं वो भी लोग जागरूक होंगे, और विश्व के कोने कोने में जो है ब्रह्म समाज एक बड़ी ब्रांच के रूप में फैलेगा। इस चीज़ से लोग इनसे जुड़ने लगे, और जब लोग इनसे जुड़ने लगे, इनके अध्यात्म से जुड़ने लगे, तो देवेंद्रनाथ टैगोर की जो है वह स्थिति, उनका कद छोटा होने लगा, और इसी कद के छोटा होने की वजह से देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है इन्हें 1865 में ब्रह्म समाज से निकाल दिया। कब निकाल दिया, ब्रह्म समाज से 1865 में निकाल दिया। अब बात आती है ब्रह्म समाज की आगे की। अब जब ब्रह्म समाज 1865 में निकल गए केशव चंद्र सेन, कौन निकल गए, केशव चंद्र सेन, तो केशव चंद्र सेन ने अगले ही वर्ष 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से एक नया समाज शुरू कर दिया। क्या कर दिया, भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से एक नया समाज शुरू कर दिया अपने लोगों को साथ लेकर। और उसी समय पर फिर देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी क्या कहा कि ब्रह्म समाज को छोड़कर कौन सा आदि ब्रह्म समाज नाम से इस समाज को आगे लेकर बढ़े, और कब, 1867 में, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में आ जाता है, ब्रह्म समाज को दो भागों में बांटा गया, कब, 1865 के बाद 66 में कौन बना भारतीय ब्रह्म समाज, और किसने करा था, केशव चंद्र सेन ने, जबकि आदि ब्रह्म समाज जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अब देवेंद्रनाथ टैगोर का जो आदि ब्रह्म समाज था ये हल्के हल्के क्षीण होने लगा था, लोग इनसे कटने लगे थे, दूर होने लगे थे, जबकि केशव चंद्र सेन के जो भारतीय ब्रह्म समाज था इससे लोग जुड़ने लगे थे, अच्छे तरीके से जुड़ रहे थे, जागरूक हो रहे थे, इनके अध्यात्म के दर्शन से बिल्कुल परिचित थे, क्योंकि वह इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना चाहते थे। इसी बीच में ही 12 वर्ष बाद एक ऐसी घटना घटती है कि जिससे कि लोग जो है केशव चंद्र सेन का विरोध करने लगते हैं, और वो क्या होता है, 1878 में ये अपनी 13 वर्षीय पुत्री, जबकि उस समय पर जो विवाह की आयु थी वह 14 वर्ष की पुत्री की, कितनी थी कि लड़की की आयु जो थी 14 वर्ष थी और लड़के की आयु जो थी 18 वर्ष थी, यानी कि 14 वर्ष की लड़की की कम से कम आयु मतलब होनी चाहिए विवाह के लिए। तो ये कहते हैं कि 13 वर्ष की पुत्री के विवाह जो है कूच विहार, बिहार में एक पड़ता कूच, ठीक है, रणजी का कूच विहार से खेला था महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट ए टीम में सेलेक्ट होने से पहले, रणजी का जो मैच खेला था वो कहाँ से खेला था, कूच विहार और रांची के बीच हुआ था, ये समझ गया नहीं, तो कूच विहार के राजा से इनका विवाह कर दिया था इन्होंने अपनी पुत्री का 13 वर्षीय का। इस चीज़ से लोग जो थे इनसे बहुत ज़्यादा विरोध करने लगे और इनसे हटने लगे, और इसी के बाद उन्होंने समाज की थी शुरुआत, ब्रह्म साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और यही अंतिम समाज था ब्रह्म समाज का। और धीरे धीरे जो है ब्रह्म समाज जो है क्षीण होने लगा था, परंतु इससे और जो समाज थे वो और समाजों के रूप में कन्वर्ट होने लगे, और बहुत सारे समाज जो थे वो इन्हीं के आदर्शों से आगे बढ़ने लगे, ठीक है। तो ये था ब्रह्म समाज, आपको इतना ही याद रखना ब्रह्म समाज के बारे में, केवल इतनी बात आप ब्रह्म समाज के बारे में याद रख लेना, और इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में कोई पूछेगा कभी नहीं, कोई सा भी एग्ज़ाम आप दे लेना
ब्रह्म समाज से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अब जो हम बात करने वाले हैं इसके बाद, अब जो हम बात करने वाले हैं ब्रह्म समाज के बाद में, वो बात करने वाले हैं प्रार्थना समाज की। अब जो है प्रार्थना समाज के बारे में बात करेंगे। ब्रह्म समाज हमारा हो गया है यहाँ से, और ब्रह्म समाज से इतने ही की पॉइंट बनाकर अपन रखना अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से अपना की पॉइंट बना लोगे इतने, एक दो बार क्लास को भी सुन लोगे तो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। अब जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना कब हुई थी, तो 1867 में इसकी समाज की स्थापना हुई थी। अब 1867 में देख लो, 1867 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी किसने, देवीनाथ टैगोर ने। जब ही इसका फ़ायदा उठाकर जो 1867 में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। अब किसने की थी, तो यहाँ पर आत्मा राम पांडु रंग, एक नाम तो ये आता है आत्माराम पांडु रंग, ठीक है, और दूसरा आता केशव चंद्र सेन। कौन सा आता है, केशव चंद्र सेन, यानी इनके सपोर्ट में थे, क्योंकि लोग जो थे इनके ब्रह्म समाज से जो है भारतीय ब्रह्म समाज से दूर होने लगे थे, तो केशव चंद्र सेन इनके सपोर्ट में थे। और एक नाम और आता है इनके सामने जुड़ने के जुड़ा हुआ, जो आपका आता है महादेव गोविंद रानाडे। कौन, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है भाई। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रेरणार्थक जो थे वो कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे इसमें सबसे ज़्यादा प्रेरणार्थक थे, ठीक है। तो सबसे पहली बात था कि प्रार्थना समाज की स्थापना, ठीक है, कब की थी, 1867 में, आत्माराम पांडुरंग थे, केशव चंद्र सेन थे, और महादेव गोविंद रानाडे जिसे हम क्या नाम देते हैं, एम जी रानाडे भी नाम देते हैं हम इनको, ठीक है भाई। अब इसका जो उद्देश्य था क्या था, सबसे पहले बात आती है उद्देश्य की, इनका जो उद्देश्य था वो क्या था, उद्देश्य की हम बात कर लेते हैं। तो इनका उद्देश्य था स्त्री शिक्षा का उद्देश्य था कि स्त्रियों को शिक्षा दी जाए। दूसरी बात क्या थी कि अछूतों व दलित पीड़ितों की दशा सुधारना, तो ये इनका उद्देश्य था, ठीक है। तो क्या था, पहले बात करते हैं स्त्री शिक्षा, अछूतों व दलित पीड़ितों की दशा सुधारना था। तीसरी अगर हम यहाँ से बात करें तो था बाल विवाह का अंत किया गया, यहाँ पर बाल विवाह का अंत किया गया, ठीक है। और एक महिला थी पंडिता रमाबाई ने क्या करा था, आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। किसकी, आर्य महिला समाज की स्थापना, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी, पंडिता रमाबाई ने। और इनका संबंध किससे जुड़ा हुआ था, प्रार्थना समाज से जुड़ा हुआ था, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। और रही बात ये कि यहाँ पर ही कौन, रनाडे के शिष्य कौन आपका याद रहेगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिए यहाँ से बात समझ में आनी चाहिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे। तो ये तीनों याद रखने हैं, ये तीनों बातें याद रखनी है आपको। क्या याद रखनी है कि ये किसके राजनीतिक गुरु थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम में कई बार आ जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, वो कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे। ये तो क्रम याद रखना, ठीक है भाई। आगे अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। किसकी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की। तो यह हम अलग से पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आप इतना इसके लिए एक की पॉइंट बना के रखो। क्या था, प्रार्थना समाज, ये की पॉइंट बना लो आप। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी, अगर हम बात करें तो 1867 में, ठीक है।
और किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इनके साथ दो नाम जुड़े थे, एक तो केशव चंद्र सेन और एक महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे कौन थे? इनके शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इसके बाद हम बात करते हैं इस प्रार्थना समाज का जो उद्देश्य था वो क्या था। प्रार्थना समाज का उद्देश्य था स्त्री शिक्षा पर बल देना, ठीक है, अछूतों व दलित पीड़ितों की दशा सुधारना। जो अछूत थे और दलित थे उनकी पीड़ितों को क्या करना था? दशा सुधारना था, बाल विवाह का अंत करना था। और पंडिता रामाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। ये एग्जाम में आ जाता है। पंडिता रामाबाई ने क्या करा था? आर्य महिला समाज की स्थापना यहाँ से की थी। तो यहाँ से रिलेटेड जो है यही है। और अब जो है, जैसे ब्रह्म समाज आपके लिए मोस्ट था, ऐसे ही फिर एक मोस्ट है जिसे हम कह सकते हैं आर्य समाज, ठीक है। ये तो इतना मोस्ट नहीं था प्रार्थना समाज, इसके तो केवल संस्थापक पूछे जाते हैं और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं यहाँ से। अब जो हम बात करने वाले हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा जिसे हम कह सकते हैं आर्य समाज। आर्य समाज के बारे में बात करते हैं। आर्य समाज, ठीक है भाई। आर्य समाज में अगर हम बात करें तो स्थापना कब हुई थी? 1875 में। और किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और 1877 में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया लाहौर में। हेडक्वार्टर जो बनाया गया वो कहाँ बनाया गया? लाहौर। जबकि इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? बम्बई में। स्थापना कहीं गई बम्बई में की थी। 1877 में हेडक्वार्टर कहाँ था? लखनऊ था, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म में व्याप्त दोषों को उजागर करना इनका उद्देश्य था, ठीक है। और वैदिक धर्म का पुनः शुद्ध करना या को धर्म को पुनः शुद्ध करना, ठीक है। और ये क्या थे? वेदों की ओर लौटो नारा इसी में दिया गया था। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि प्राणों की जो थी, यानी क्या बात थी यहाँ पर? पुराणों की प्रामाणिकता को क्या करा था? इन्होंने अस्वीकारा था। तो अब दोबारा से रिकॉल करेंगे इसको क्या था। देखिए बात करते हैं आर्य समाज की। तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में, ठीक है। कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर था वो था लाहौर में। और कब बनाया गया था? 1877 में किया गया था, ठीक है। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। यहाँ तक की बात हो चुकी है। इसका उद्देश्य क्या था कि हिंदू धर्म में जो दोष व्याप्त हो गए थे ठीक है, उन दोषों से उन्हें उजागर करना था, ठीक है, कुरूतियों से दूर करना था। और हिंदू धर्म को शुद्ध करना था, वैदिक धर्म को क्या करना था? शुद्ध करना था। वेदों के अनुसार धर्म को मानना था, क्योंकि लोग वेदों को न मानकर पुराणों को ज़्यादा वरीयता देने लगे थे। तब उन्होंने कहा था कि पुराणों की जो प्रामाणिकता है उसे अस्वीकारते हुए कहा था कि आप वेदों की ओर लौटो। क्या कहा था उन्होंने? वेदों की ओर लौटो, ना कि आप पुराणों पर बात मानो। पुराणों जैसे जो भी प्रामाणिक ग्रंथ थे उन सबको उन्होंने अस्वीकारा था। और उन्होंने कहा था केवल धर्म जो है हिंदू धर्म वो केवल किसके अनुसार है? वेदों के अनुसार। तो आपको केवल वेदों के अनुसार चलना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ से कही गई थी इसमें, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या था, देखिए अगर यहाँ हम एक और बात करके चलें इनकी, तो सबसे पहली बात तो ये थी कि इन्होंने स्त्री शिक्षा, यानी क्या था? स्त्री शिक्षा पर बल दिया था। इन्होंने कहा था स्त्री शिक्षा पर बल दिया था कि स्त्री शिक्षा होनी चाहिए। फिर दूसरी बात ये था छुआछूत का अंत करा इन्होंने, ठीक है। बाल विवाह का अंत किया, ठीक है। जाति भेद का अंत किया इन्होंने। तो इन्होंने छुआछूत, बाल विवाह और जाति भेद का अंत किया, जबकि शिक्षा क्या था? शिक्षा, स्त्री शिक्षा को बल दिया था। और इसी के साथ साथ जो था, ऐसा मान के चलिए कि विधवा पुनर्विवाह,
विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया था, ठीक है। और अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह पे भी क्या करा था, बल करा था। तो विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह पे भी बल दिया था। इसी के साथ साथ शुद्धि आंदोलन, इन्होंने क्या चलाया था, शुद्धि आंदोलन चलाया था। और ये क्या रहा था, विवादास्पद। तो कैसा रहा था, विवादास्पद रहा था, शुद्धि आंदोलन चलाया था इन्होंने, ठीक है। गोरक्षा आंदोलन चलाया था, गोरक्षा आंदोलन चलाया था, ठीक है। और प्रथम धर्म प्रचारक थे जिन्होंने शूद्रों और महिलाओं को वेद पढ़ने की अनुमति दी, वेदों को पढ़ने की अनुमति दी। तो ये भी थोड़े से काम करे थे इन्होंने, ठीक है। तो अब देखिए क्या था, दोबारा से इसको देख लेंगे क्या था। 1875 में दयानंद सरस्वती ने इनकी स्थापना मुंबई में की थी, ठीक है। 1877 में हेडक्वार्टर लाहौर बना दिया गया। उद्देश्य क्या था, हिंदू धर्म में व्याप्त दोषों को उजागर करना था, ठीक है। वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध करना था और वेदों को लोटो जब नारा दिया था, जब पुराणों की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगे थे लोग और पुराणों जैसे ग्रंथों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। और इन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया था, ठीक है। और छुआछूत, बाल विवाह और जाति भेद का अंत किया था कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। विधवा पुनर्विवाह पर जो है बल दिया और अंतरजातीय विवाह पर भी इन्होंने बल दिया था। शुद्धि आंदोलन चलाया जो विवादास्पद रहा था, बाद में उन्होंने लोगों ने कुछ ने कहा था शुद्धि आंदोलन ठीक नहीं है। तो गोरक्षा आंदोलन चलाया, प्रथम धर्म प्रचारक कहते थे, शूद्र व महिलाओं को वेद पढ़ने की अनुमति दी थी। और इसी के साथ साथ जो है कुछ और भी ऐसे काम थे जो इन्होंने किए थे। चलिए अब वो देखते हैं क्या काम थे और, ठीक है, और क्या काम थे उसके बारे में सोच लेते हैं क्या थे वो काम, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इनके जो विचार थे किसके, दयानंद सरस्वती के जो विचार थे वो कहाँ मिलते हैं, वो विचार जो मिलते हैं वो मिलते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। किसमें मिलते हैं, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। इससे आप पढ़ोगे तो इसमें जो है दयानंद सरस्वती के जो है विचार मिलेंगे, ठीक है। और इन्होंने स्वराज शब्द सर्वप्रथम दिया था, यानी क्या दिया था, सर्वप्रथम स्वराज शब्द दिया था सर्वप्रथम इन्होंने, ठीक है। एक व्यक्ति थे वैलेंटाइन सरोल, कौन थे, वैलेंटाइन सरोल, एक व्यक्ति थे वैलेंटाइन सरोल। इन्होंने क्या कहा था कि आर्य समाज भारतीय अशांति का जन्मदाता है, भारतीय अशांति का जन्मदाता, अशांति का जन्मदाता है, ये वाली बात कही थी। बस इतनी बात याद रखना, किसने कही थी, एग्जाम में आ जाती है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता, स्वराज शब्द किसने दिया था, सर्वप्रथम किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। और सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है, दयानंद सरस्वती की है, जिससे क्या मिलता है दयानंद सरस्वती के विचारों का जिक्र मिलता है, ठीक है भैया। और आर्य समाज जो है भारतीय अशांति का जनक है, जन्मदाता, वो किसने कहा था, वैलेंटाइन सरोल ने कहा था। अब बात करते हैं कि दयानंद सरस्वती के सहयोग से दो काम हुए थे, वो बिल्कुल प्रसिद्ध है। और दोनों के दोनों काम क्या हैं, प्रसिद्ध है। देखिए क्या, एक व्यक्ति थे लाला हंसराज, इन्होंने काम किया था 1886 में कहाँ पर लाहौर में एक स्कूल खोला था, जिसे हम स्कूल कहते हैं, क्या, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। तो इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी, लाला हंसराज ने, और किसके सहयोग से, दयानंद सरस्वती के सहयोग से। कहाँ पर की थी, लाहौर में की थी, 1886 में की थी। दूसरी बात अगर हाँ यहाँ जाए तो किसने, स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में कहाँ पर, हरिद्वार के पास में जगह है कांगड़ी, वहाँ पर क्या खोला था, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,
विश्वविद्यालय, ठीक है भैया, इसकी स्थापना की थी। तो आप जो याद करेंगे इसको, ये याद करेंगे आर्य समाज को, ठीक है। तो आज के लिए केवल हमने तीन समाज पढ़े हैं, एक तो ब्रह्म समाज पढ़ा है, आज जो हमने कवर करें वो क्या करें कवर, एक तो हमने करा है ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज, दूसरा हमने करा है प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, और तीसरा जो हमने किया है कवर यहाँ से क्या है, आर्य समाज, क्या करा है, आर्य समाज। तो हमने तीन समाज करे हैं, इसके आगे जो भी बच्चे हैं आपके वो हम नेक्स्ट सेशन में लेते हैं। तो फिलहाल में इस क्लास को अगर एक से दो बार रिपीट करोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, और हम इसका फिर जो है एक ऑब्जेक्टिव सेशन भी लेने वाले हैं, जब ये दोनों क्लास हो जाएंगे, एक क्लास और बचती है इसकी, नेक्स्ट क्लास में जो इसको बिल्कुल फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल में इस क्लास के लिए केवल इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।